Implication, conditional statement, converse, contrapositive and inverse. लेक्चर 3 के अंदर हमने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, मतलब कनेक्टिव्स के बारे में, तो वो क्या होते हैं. उसके अंदर हमने पढ़ा कंजक्शन, डिसजंक्शन और एक्सक्लूसिव और, ये तीनों चीजें हमने लेक्चर 3 के अंदर स्टडी की थी. आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इंप्लीकेशन, इफ देन, और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बाय कंडीशनल. तो आज के लेक्चर हम देखेंगे इंप्लीकेशन, इसके टाइप्स हैं कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट और इंप्लीकेशन आखिर है क्या चीज, इंप्लीकेशन क्या चीज है. इंप्लीकेशन की जो अल्फाज की जो मीनिंग है वो है इशारा करना. मतलब मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड. तो एक कंडीशन मैंने लगा दी, एक इशारा कर दिया कि इस बात का दूसरी बात से, तो इसे कहते हैं इंप्लीकेशन. मैं दूसरा एग्जाम्पल दे दूं, बिल्कुल मैं ये कहता हूं इफ आई एम इलेक्टेड देन आई विल लोअर टैक्सेस, अगर मैं इलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं टैक्सेस कम कर दूंगा. तो मैंने इस वाली प्रोपोजिशन के साथ ताल्लुक था कि अगर ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, इफ आई एम इलेक्टेड देन आई विल लोअर टैक्सेस. तो इस तरह के को ताल्लुक रखने को, इशारा करने को हम कहते हैं इंप्लीकेशन. और इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू. पी वाली ये वाली स्टेटमेंट थी इफ आई एम इलेक्टेड, और ये क्या थी आई विल लोअर टैक्सेस, ये वाली क्यू थी. मतलब पी होगा तो फिर क्यू होगा, पी के बाद क्यू होगा, तो इसे कहते हैं इंप्लीकेशन. मतलब पी इम्प्लाइज क्यू. तो इंप्लीकेशन होती क्या चीज है वो समझ आ गई, कि इंप्लीकेशन दरअसल सिंपली एक ऐसी चीज होती है कि एक दो प्रोपोजिशंस होते हैं, एक प्रोपोजिशन दूसरे प्रोपोजिशन को इंप्लाइज करता है, मतलब ये होगा तो फिर अगला क्यू होगा, तो इसे कहते हैं इंप्लीकेशन. तो अब इसकी कंडीशंस के बारे में जानते हैं हम, कि बिलफर्ज मैंने जो बात ये कह दी, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मकसद क्या है. तो इस बात का मकसद ये होता है कि अगर मैं इलेक्ट हो गया और मैंने टैक्सेस कम कर दिए तो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, मतलब जो मैंने बात कही थी वो सच कही थी. अगर मैं इलेक्ट नहीं हुआ और टैक्सेस फिर भी कम होते हैं तब भी ये बात सच है, क्योंकि टैक्सेस तो कम हो ना, अगर मैं इलेक्ट नहीं हुआ तब भी टैक्सेस कम होते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, टैक्सेस कम करना ही अक्सर मकसद था हमारा, इस बात से इशारा था, वो इशारा हो गया तो तब भी ये मेरी बात सच साबित है, क्योंकि मैं इलेक्ट नहीं हुआ इशारा देखो ना, इस वाली बात में देखो, अगर मैं इलेक्ट नहीं हुआ तो कम हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई मेरी बात थी कि मैं अगर इलेक्ट होऊंगा तो अगर मैं इलेक्ट नहीं हुआ तब भी टैक्सेस कम होते हैं तो मेरी बात से कोई ताल्लुक नहीं है, तभी मेरी बात सच्ची साबित होगी. अगर मैं इलेक्ट नहीं होता तब भी टैक्सेस कम नहीं होते तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं है, जो मैंने बात नहीं की तो बात जाहिर सी बात है, तो यह भी बात सच होगी. लेकिन अगर मैं इलेक्ट हुआ और मैंने टैक्सेस कम नहीं किए तो यहां मैं गलत हो गया. देखिए ना मैंने बात क्या कही थी, कि अगर मैं इलेक्ट हो जाऊंगा तो टैक्सेस कम कर दूंगा. अब मैं इलेक्ट हो गया और टैक्सेस कम नहीं किए, सिर्फ इस वाली बात में क्या होगा कि मैं गलत साबित होगा, बाकी हर बात में मैं सही हूं, बाकी हर बात में सही हूं. इलेक्ट हुआ टैक्सेस कम किए सही बात, इलेक्ट नहीं हुआ तो टैक्सेस कम हो ना हो फर्क क्या पड़ता है, तब भी सही बात, नहीं इलेक्ट हुआ तभी टैक्सेस कम नहीं हुए तो फर्क नहीं पड़ता. तो इन तीनों चीजों से हमेशा ट्रू रहेगा, सिर्फ उस कंडीशन में कि अगर मैं इलेक्ट हो जाता हूं और मैं टैक्सेस कम नहीं करता तो इस वाली कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ मैं गलत, मतलब फॉल्स. तो ये वाली इंप्लीकेशन मेरी गलत, बाकी ये तीनों इंप्लीकेशन मेरी सही रहेंगी. तो हम इसको टेबुलर, मतलब ट्रुथ टेबल के अंदर देखें तो ये देखें, पी स्टेटमेंट क्या थी, मैं इलेक्ट हो गया मतलब ट्रू, टेस्ट कम कर दिए मतलब ट्रू, तो इसकी इंप्लीकेशन क्या हुई, ट्रू, सीधी बात है मैं इलेक्ट हो गया टेस्ट कम कर दिया तो मेरी बात सच साबित हो गई, तो ये इंप्लीकेशन की ट्रू हो गई. इलेक्ट नहीं हुआ मतलब फॉल्स, और टेस्ट कम हुए तब भी ये ट्रू, क्योंकि मैं इलेक्ट नहीं हुआ फिर टैक्स कम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता मुझे, तब भी मेरी बात सच साबित है, क्योंकि मैं अपनी बात के खिलाफ तो नहीं जा रहा. मैं इलेक्ट नहीं हुआ टैक्स कम नहीं हुए तब भी बात अपनी बात के खिलाफ नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने कोई बात कही नहीं है, तो ये भी ट्रू हो गया. लेकिन मैं इलेक्ट हुआ और मैंने टैक्स कम नहीं किए तो ये अपनी बात के खिलाफ गया, मतलब ये फॉल्स, सिर्फ इस कंडीशन में फॉल्स, इलेक्ट हो जाऊंगा और क्यों नहीं होता, मतलब पी के बाद क्यों नहीं हुआ, तो सिर्फ ये इस वाली कंडीशन में फॉल्स, बाकी सब कंडीशन में. तो इस तरह की स्टेटमेंट हम कहते हैं, इस तरह की इंप्लीकेशन को हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट. मतलब इसका क्या हुआ, देखें, लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशंस, मतलब प्रोपोजिशंस, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, ये दोनों प्रोपोजिशंस है. और कंडीशनल स्टेटमेंट हमने इस तरह लिख दिया, पी इंप्लाइज क्यू, या आप इसको यूं कह सकते हैं इफ पी देन क्यू.
ये सिर्फ विच इज फॉल्स, कब फॉल्स, जब पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो, सिर्फ इस कंडीशन में फॉल्स होगा, बाकी अदरवाइज ट्रू, सब में ट्रू, सिर्फ इस वाली कंडीशन में फॉल्स। तो ये होती है इंप्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट। सीधी सी बात थी यार, इंप्लीकेशन क्या थी, बस एक बात का ताल्लुक था कि अगर ये होगा तो फिर ये होगा, और जो मैंने बात कही है अगर वो साबित नहीं होती तो बस उसी कंडीशन में फॉल्स होगा, बाकी तो हर कंडीशन में ट्रू होगा, सीधी सी बात है। तो इसे कहते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट। इसके अलावा एक पहली कंडीशन थी, मैंने कहा कि इफ मैं लेट हो जाता हूं तो हम इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। देखो इफ अगर मैं हो जाता हूं तो मैं एक तुक्का लगा रहा हूं ना, तो इसे कहते हैं हाइपोथेसिस, एंटीसिडेंस या प्रीमिस, आप उसको तीनों नाम से पुकार सकते हैं। अगर मैं लेट हो गया, एक मैंने हाइपोथेसिस दिया, एक मैंने तुक्का लगाया, तो फिर मैं ये करूंगा, तो मतलब उसका रिजल्ट, उसका कंक्लूजन, उसका कॉन्सिक्वेंस, ये वाली स्टेटमेंट हो गई। तो आप ये नाम्स थे, सिनोनिम्स थे, आप इसको बुला सकते हो नामों से, ना बुलाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि इम्प्लीकेशन सिर्फ ये होता है कि एक पी प्रोपोजिशन होगा, एक क्यू प्रोपोजिशन होगा, अगर पी होगा तो फिर क्यू होगा। इस तरह के ताल्लुक को, इस तरह के इशारा करने को, इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं इम्प्लीकेशन। और कंडीशन स्टेटमेंट क्या हुई, यही इम्प्लीकेशन कंडीशन स्टेटमेंट हुई कि जिस कंडीशन में सिर्फ तब भी पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तब फॉल्स होगा, वरना आपकी कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। तो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, मैं एक और एग्जांपल देता हूं इसी बात का कि देखें, मैं कहता हूं लेट पी बी द स्टेटमेंट मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, मारिया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रही है, तो एक किस्म का यह प्रोपोजिशन होगा पी। दूसरा एंड क्यू द स्टेटमेंट मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब, मतलब दो स्टेटमेंट हो गई, एक पी ये वाली हो गई कि वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रही है और दूसरी उससे अच्छी जॉब मिलेगी। तो अगर इसको मैं इम्प्लीकेशन फॉर्म में लिखूं, एक्सप्रेस द स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू इस फॉर्म में लिखूं तो कैसे होगा, सीधी सी बात है, इफ मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देन शी विल फाइंड अ गुड जॉब। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं, बस इफ लगा दिया और देन लगा दिया, मतलब ये होगा तो फिर ये होगा, इस तरह की स्टेटमेंट बन गई। तो मतलब आपको इस तरह दी जाए तो आप उसको इस तरह स्टेटमेंट बना सकते हो। एक और एग्जांपल, बिल्कुल आपको ये मिला गया है, अब आपको फुल टाइम सही तरीके से आपको प्रपोजिशन कंडीशन स्टेटमेंट मिल गई, इफ यू आर वर्किंग हार्ड देन यू आर अ टॉपर। इसको सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, आसान सी बात है, इस तरह लिखेंगे पी इंप्लॉयज क्यू, मतलब पी होगा तो क्यू होगा, इफ यू आर वर्किंग हार्ड ये वाली हो गई, देन यू आर टॉपर ये क्यू हो गया, बस। तो आगे बढ़ते हैं इनके टाइप्स के, पहले मैंने बात की कंडीशन स्टेटमेंट, वो क्या थी, इफ यू आर वर्किंग हार्ड देन यू आर टॉपर, ये था कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको हम लिखते हैं पी और इम्प्लॉयज क्यू, इससे हम इस तरह लिखते हैं कंडीशनल को। लेकिन इसको लिखने का दूसरे तरीके हो सकते हैं, बिल्फर्ज मैं ये बात पहले करता हूं, मैं कहता हूं इफ यू आर टॉपर देन यू आर वर्किंग हार्ड, लिख सकता हूं ना इसको, इसको रीअरेंज करके इस तरह लिख सकता हूं, इफ यू आर अ टॉपर देन यू आर वर्किंग हार्ड। जब मैं क्यू को पहले ले गया और पी को बाद में ले गया, तो इस तरह को हम कहते हैं कॉन्वर्स, मतलब पी और इनवर्स ये वाली, इस बात का क्या हुआ कि इनवर्स क्यू, मतलब क्यू पी इंप्लॉयज क्यू, तो की क्यू इंप्लॉयज पी, इस बात का ये वाला हो गया, मतलब मैंने क्यू को पहले ले आ गया और पी को बाद में ले गया, ये कंडीशनल थी, इसका कॉन्वर्स ये हो गया, क्यू पहले आ गया फिर पी, मतलब देखें इफ यू आर वर्किंग हार्ड देन यू आर अ टॉपर, मैं इस बात को पहले लेके आ गया, इफ यू आर टॉपर देन यू आर वर्किंग हार्ड, तो इससे हमने कह दिया कॉन्वर्स। इसके अलावा इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड देन यू आर नॉट टॉपर, सीधी सी बात है, अपनी बात को दूसरे अल्फाज में लिखता हूं, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो वैसे सीधी बात है तुम टॉपर नहीं हो, अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे तो तुम टॉपर नहीं हो, तो इससे हम कहते हैं इनवर्स, बात को नेगेटिव कर दिया पहली वाली बात को, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट का इनवर्स क्या हुआ, ये कंडीशनल स्टेटमेंट थी हमारी, इसका इनवर्स क्या हुआ, नेगेशन ऑफ पी इंप्लॉयज नेगेशन ऑफ क्यू, मतलब ये बार नेगेटिव हो गई तो ये बार नेगेटिव हो जाएगी, तो इस तरह के कहते हैं हम इसको इनवर्स। इसके बाद इफ यू आर नॉट टॉपर देन यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, मतलब दोबारा मैं लेके आ गया ये वाली बात, इधर लेके आ गया और ये वाली बात इधर लेके आ गया, अगर तुम टॉपर नहीं हो तो तुम मेहनत नहीं कर रहे, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रापॉजिटिव, मतलब इसका क्या हो जाएगा, क्यू पहले आ जाएगा फिर प्यू, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब ये वाली बात में पहले लेके आ गया, ये वाली बात बाद में लेके आ गया, तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रापॉजिटिव। बस ये चार टाइप्स थे, आपको बाज दफा इस तरह की कंडीशन स्टेटमेंट मिल जाएगी, कंडीशनल इस तरह का सेंटेंस मिलेगा, इस तरह का प्रोपोजिशन कंडीशन स्टेटमेंट मिलेगी जिसको आपको कॉन्वर्स करना होगा, इनवर्स करना होगा, कॉन्ट्रापॉजिटिव करना होगा। तो कॉन्वर्स क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, क्यू पहले आ जाता है फिर पी आ जाता है, इनवर्स क्या होता है, दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या हो जाता है, क्यू पहले आता है लेकिन नेगेटिव होके और पी बाद में आता है लेकिन नेगेटिव होके, बस बात वही रहती है, लिखने का अंदाज चेंज हो जाता है बस। आप अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप टॉपर हो।
Thank you, and yes, don't forget to subscribe.